अगर आप देवी के संपर्क में हैं, उसके बाद ऊर्जाओं का नेगेटिव प्रभाव आप पर नहीं होगा। ऐसी चीजों का उस इंसान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो सच में ध्यानशील है। जितने आप मानसिक और भावनात्मक रूप से विचलित और अस्थिर होंगे, उतनी ही आसानी से आप इन शक्तियों से प्रभावित होंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऊर्जाओं को तोड़ मरोड़ के किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। वो इस तरह किसी की मौत का कारण भी बन सकते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में ये काफी प्रचलित है। एक वेद है, चार वेदों में से एक अथर्ववेद इसी को समर्पित है कि ऊर्जाओं का इस्तेमाल अपनी खुशहाली और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कैसे किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि इस तरह की ऊर्जाओं या इस तरह की क्रियाओं का इस्तेमाल सीधा आपके ऊपर किया जाए। अभी अगर कोई मेरे साथ कुछ नेगेटिव कर रहा हो और अगर मैं उसके लिए ग्रहणशील नहीं हूं और आप यहां बैठे हैं, तो आप प्रभावित हो सकते हैं। ये बिल्कुल हो सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे सड़क पर लोग एक दूसरे पर गोलियां चला रहे हों और आप बस वहां से पैदल निकल रहे हों, तो गोली आपको भी लग सकती है। तो कुछ खास अभ्यास हैं, अगर आप इन अभ्यासों या कुछ खास उच्चारणों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ले आए, तो इन चीजों से आसानी से बचा जा सकता है। रुद्राक्ष का जो बीज होता है, उसका पेड़ मुख्य तौर से खास ऊंचाई पर होता है, लगभग 6,500 से 12,000 फीट के बीच। रुद्राक्ष का पेड़ इस ऊंचाई पर हिमालय क्षेत्र में उगता है और इसका स्पंदन या वाइब्रेशन बहुत अनोखा होता है। तो वो लोग जो लगातार यात्राएं करते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं ताकि उनकी अपनी खुद की ऊर्जा का एक कोकून बन जाए, ताकि बाहरी ऊर्जाएं उन्हें परेशान न करें। उनका अपना एक, हम इसे कवच बोलते हैं। आप जानते हैं ना कवच क्या होता है? ये एक तरह से एक खोल जैसा है। इट्स अ कोकून ऑफ योर ओन एनर्जी। आपकी अपनी ऊर्जा का एक खोल, जहां भी आप जाएंगे आपका निजी बेडरूम आपके साथ जाएगा। ये आपके साथ चलेगा जहां भी आप जाएं। वो लोग जो कि परिवार और समाज के बीच हैं, हमेशा उनके पहनने के लिए सबसे बढ़िया रुद्राक्ष पंचमुखी होगा। और अच्छा होगा कि आपको उनसे मिला हो जो जानते हैं कि ये क्या है। बस यूं ही किसी दुकान से उठाकर इसे पहन लेना अच्छी चीज नहीं होगी। आमतौर पर जो रुद्राक्ष आपको यहाँ मिलता है, वो हमेशा ही उन परिवारों से लिया जाता है जो हजारों सालों से रुद्राक्ष को संभाल रहे हैं। वही परिवार, उनके लिए ये एक पवित्र धर्म जैसा है, न कि बस एक बिजनेस। एक और बीज होता है जिसे भद्राक्ष बोलते हैं। वो भारत के उत्तरी मैदानों में खूब पाया जाता है। ये असल में एक जहरीला बीज है जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, और खास तौर से भारत में पश्चिमी देशों के पर्यटकों के लिए अब हम बड़े सुंदर प्लास्टिक रुद्राक्ष बना रहे हैं जो बहुत बढ़िया दिखते हैं, इससे भी अच्छे, पर वो प्लास्टिक रुद्राक्ष हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा होगा कि इन्हें जानी मानी जगह से लिया जाए, नहीं तो तमाम तरह की चीजें आएंगी। मैं आजकल देखता हूं बहुत सारे ये शब्दों के अभाव की वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं, ये नए जमाने टाइप के लोग, ये सारे अपने अंगूठों में मेटल की अंगूठी पहनते हैं। देखिए, अगर आप अपने अंगूठे में धातु की अंगूठी डालते हैं तो आप पक्का अपनी ओर कुछ खास तरह की नेगेटिव शक्तियों को बुलावा देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई अपने वश में ही कर लेगा, पर आप बिना वजह गिरते लुढ़कते फिरेंगे, तरह तरह की चीज़ें होंगी, हर चीज़ गलत होगी, सिंपल चीज़ें भी। मुझे नहीं पता अगर आप ऐसे लोगों से मिले हैं या किसी समय पर खुद आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब चीज़ें बिगड़ना शुरू होती हैं तो वो लगातार बिगड़ती चली जाती हैं, लगातार आप गिरते हैं, एक या दो नहीं, ये बस होता ही चला जाता है। सब कुछ और हर चीज़ गलत हो जाती है, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों तक, बस इसलिए क्योंकि they would have attracted certain dimensions of energy. Which could... शायद उन्होंने ऊर्जा के कुछ खास आयामों को अपनी ओर आकर्षित किया है, जो कि जो दुनिया में कुछ भी करने के लिए सहायक नहीं होते, बल्कि ये किसी और चीज के लिए सहायक हो सकते हैं। सिर्फ वही लोग जो तंत्र विद्या करना चाहते हैं, वो अंगूठे में अंगूठी पहनते हैं।
पर आज या तो अज्ञानता में या फैशन में, एक बार आपने अंगूठे में मेटल पहन लिया तो आप इन चीजों को बुला रहे हैं। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्हें लगता है वो किसी के वश में हैं, और ये सब हम उनसे बस इतना कहते हैं, आप बस यहां आकर ध्यानलिंग क्षेत्र में बैठिए, क्योंकि ध्यानलिंग में तंत्र के ऐसे आयाम हैं जो इन सब चीजों को काट डालते हैं। वो यहां से पूरी तरह मुक्त होकर जाते हैं, क्योंकि ध्यानलिंग क्षेत्र में तांत्रिक आयामों का समाधान हो जाता है। बस एक पूर्णिमा या अमावस्या के दिन जब आप इन चीजों को लेकर ज्यादा ग्रहणशील होते हैं, बस एक दिन बस वहां बैठ कर जाइए। अगर आप देवी के संपर्क में हैं, चाहे देवी यंत्र की मदद से या चाहे जैसे भी, यंत्र आपके हाथ में है या आपके दिल में, ये आपके ऊपर है। पर एक बार जब आप उस ऊर्जा के खोल में हैं जिसे हम देवी या भैरवी कह रहे हैं, उसके बाद ऊर्जाएं आपके लिए नकारात्मक हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आप बस इतना सुनिश्चित कर लें कि आप सही किस्म का खाना खा रहे हैं, अपने सिस्टम को ठीक से रख रहे हैं, तो ये संभावना कि आप में कुछ गड़बड़ी हो जाए जिसका कारण कोई दूसरी ऊर्जा या ऐसा कुछ है, ऐसा होना आपकी जिंदगी से कोसों दूर की बात है। उनसे देवी निपट लेंगी। अगर आप सच में ध्यानशील हैं तो आप तंत्र के बारे में सोचिए भी मत। इन चीजों का उस इंसान पर कोई असर नहीं होता जो सच में ध्यानशील है। अगर आपने मौन को, अगर आपने अपने भीतर के मौन को थोड़ा सा भी जाना है, कम से कम आपके भीतर दिन में कुछ पलों का भी मौन है, तो आप तंत्र की चिंता मत कीजिए। ऐसी चीजें उस इंसान को प्रभावित नहीं करती हैं जो अपने अंतरतम की निश्चलता को जानता है। किसी ने कहा है, आदमी केवल इल है यानी बीमार है क्योंकि उसे स्टिल यानी स्थिर होना नहीं आता। ये बिल्कुल सही कहा है, ये बिल्कुल सही है। सारी बीमारियां इसलिए हुई हैं क्योंकि उन्हें स्थिर रहना नहीं आता, खासकर वो वाली जो आपके मन को प्रभावित करती हैं और वो जो दूसरे प्रभावों के कारण होती हैं। ये चीजें इसलिए संभव हो पाती हैं क्योंकि कोई स्थिरता नहीं है। तो अभी इस समय आप ध्यान की प्रक्रिया से अपने जीवन में वो निश्चलता लेकर आ रहे हैं। अगर आप स्टिल हैं तो आप इल नहीं होंगे। जितने आप मानसिक और भावनात्मक रूप से विचलित और अस्थिर होंगे, उतनी ही आसानी से आप इन शक्तियों से प्रभावित होंगे। अगर आपके अंदर एक तरह का फोकस और संकल्प है तो आप देखेंगे कि ये चीजें बस ये सड़क पर एक छोटे से उभार की तरह होंगी, दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपने मन और भावनाओं में एक तरह की अस्थिरता में हैं तो इससे दुर्घटना हो सकती है।